बोल माई मेरी सचिया जोता वाली माता तोड़ी सदाई जय। और इस बार हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, सबसे आपको मिलवाऊंगी, सब मेरे जेठ जेठानी मेरे साथ में आए हैं। मेरे पीछे खड़ी हुई है ट्रेन नंबर 22401। इस ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं सराय रोहिला से जम्मू तक। ये देखिए हम तीन फैमिलीज मिलके तीनों के तीनों आलू ले आए हैं। सबने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बातों का कि कौन क्या बना रहा है, सबने आलू के। तो ये देखिए हमारे भैया की थाली लग चुकी है और ये भैया का पहला निवाला मुँह में जाते हुए। भैया बताइए कैसा लगा, भैया को शर्म आ गई खा के बताओ। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल तुसी सारिया नू, मैं हूं आप सबकी दोस्त दिव्यांशा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लाइफ में ऐसे ही। आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि दिव्यांशा कहाँ चली गई, इतना टाइम हो गया व्लॉग नहीं डाला। एक्चुअली बनी की थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, इस करके हम लोगों ने ट्रैवल रोका हुआ था, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। देखिए मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया व्लॉग लेकर के। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं खड़ी हुई हूँ रेलवे स्टेशन पे, ये मेरे पीछे एक ट्रेन जा रही है ऑलरेडी, और ये मेरे जो पीछे ये वाली ट्रेन है इसमें मैं जाने वाली हूँ। मैया रानी का बुलावा आया है, दर्शन करने जा रहे हैं। और इस बार हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, सबसे आपको मिलवाऊंगी, सब मेरे जेठ जेठानी मेरे साथ में आए हैं। मेरे पीछे खड़ी हुई है ट्रेन नंबर 22401। और इस बार क्या हुआ है, हम लोग ना बुकिंग करने में थोड़ा लेट हो गए, तो हमने इस बार फिर हमें कटरा तक की तो कोई ट्रेन नहीं मिली। इस ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं सराय रोहिला से जम्मू तक। तो चलिए आइए अंदर चल के मैं आपको सारा दिखाती हूँ। हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं सेकंड एसी में, तो चलिए आपको सेकंड एसी का सारा दिखाती हूँ। तो ये है हमारा बोगी नंबर A4 और ये देखिए ये लिखा हुआ है सराय रोहिला, दिल्ली सराय रोहिला से माटेर कैप्टन तुषार महाजन तक जा रही है। ये ट्रेन नंबर 22401 है और यहाँ से मैं अंदर जाऊँगी, तो चलिए चलते हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ का मैं व्यू दे देती हूँ सेकंड एसी का। ये दोनों साइड में आपके वॉशरूम्स हैं, ये देखिए ये आपका वॉशरूम है, वॉश बेसिन है आपका, ये आपका नीचे की सीट है बैठने वाली, और यहाँ पे देखिए ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, खाली हो गया रास्ता, अभी ब्लॉक था, मुझे लग रहा था कि चल नहीं पाएंगे। तो ये देखिए ये है हमारी सीट सारी 23-24 है हमारी, उधर ये 21-22-19-20 ये सारी हमारी सीट्स हैं। और ये है हमारा सेकंड एसी, यहाँ पे सब मेरे फैमिली मेंबर्स बैठ चुके हैं। हेलो कर दो भाई सब लोग। ये सब हमारे फैमिली, हमारा नन्ना सा बनी, बनी हेलो कर। और ये देखिए सब मेरे जेठ जेठानी सब हमारे साथ जा रहे हैं। और ये है आपका सेकंड एसी, ये देखिए सेकंड एसी में दो होती हैं, एक ऊपर की सीट होती है एक नीचे की। आप चाहे इसको फ्लैट कर लीजिए तो आपका बैठने सोने का बन जाएगा, पीछे ऊपर कर देंगे तो बैक रेस्ट हो जाता है। ये ऊपर है आपका, सारे आपको ब्लैंकेट पिलो बेडशीट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। सेम इधर भी यही सिस्टम है और यहाँ पर भी ये वाला सिस्टम है कि आपकी पूरी एक सीट बना रखी है, आप इसको उठा लेंगे तो आपका बैक रेस्ट बन जाएगा। तो गाइस बैकग्राउंड नॉइस को जरा इग्नोर करना, यहाँ पे बहुत शोर मच रहा है। मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ बोलने की, नहीं बोल पा रही, बट अब मैंने सोचा मैं बैकग्राउंड नॉइस के साथ ही बोलती हूँ। तो हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होनी थी 10:30 पे, जिसके लिए हम सब अपने अपने घरों से 7-7:30 निकल गए हैं। तो रात का खाना नहीं हुआ है, सुबह से पैकिंग में लगे हुए हैं, लंच के अलावा कुछ, लंच नहीं सुबह ब्रेकफास्ट के अलावा कुछ नहीं खाया हुआ। तो अब हम लोग फटाफट रोटी खाना शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो आइए आप सब लोग भी ज्वाइन करिए इस डिनर में जो कि हम ट्रेन में बैठ के करने वाले हैं सब लोग मिलकर के। तो ये देखिए हम तीन फैमिलीज मिलके तीनों के तीनों आलू ले आए हैं। सबने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बातों का कि कौन क्या बना रहा है, सबने आलू, क्योंकि आलू जो है ना वो सेफेस्ट ऑप्शन रहता है जब आप ट्रेन में या कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हो, बेस्ट ऑप्शन रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है और रोटी के साथ मजा भी आता है, साथ में आम का अचार। तो ये देखिए हमारे भैया की थाली लग चुकी है और ये भैया का पहला निवाला मुंह में जाते हुए। भैया बताइए कैसा लगा, भैया को शर्म आ गई खा के बताओ। बहुत बढ़िया, भैया का फर्स्ट टाइम हो रहा है व्लॉग पे ना, ये मेरे सबसे बड़े वाले भैया, बड़े प्यारे से भैया है, कैसा लगा। तो ट्रेन हमारी चल पड़ी है, बोलो गणपति गणेश भगवान की जय।
हर हर महादेव। बोल माई मेरी सचिया जोता वाली माता तोड़ी सदाई जय जय। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना बिस्तर लगाते हैं ट्रेन में। तो ये देखिए पिलो और चादर वगैरह सब कुछ साथ में मिलती है, दो चादरें पर सीट मिलती है हम लोगों को। तो एक एक चादर हम नीचे बिछा लेते हैं और एक चादर ओढ़ने के लिए होती है, और साथ में मिलता है हमें ये ब्लैंकेट। तो ये देखिए इस तरीके से सारा बिस्तर वगैरह हम लोग लगा देते हैं। फिर उसके बाद में ये जो कर्टन है, ये कर्टन आप सेकंड एसी में सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि आपने अपना कर्टन आगे किया, ये यहाँ पे इसको चिपका दिया। ये देखिए वेलक्रो होती है, वेलक्रो से अपने कर्टन आपने दोनों साइड से चिपका दिए, यहाँ के नहीं चिपक रहे, ये चिपक गया, और आपका पूरा एक क्लोज रूम आपके लिए अंदर तैयार हो जाता है चारों तरफ से। ये बेस्ट ऑप्शन है। और सेम चीज आप देखिए इधर भी हो जाता है, आप यहाँ पे कर्टन लगा लीजिए इस वाले साइड में, ये कर्टन लगा के वो ऊपर कवर्ड हो जाता है, ये नीचे आपका इधर भी कर्टन लगा दें तो आपका ये पूरा बंद हो जाता है, आप अंदर आपका पर्सनल पूरा स्पेस होता है। ये बेस्ट ऑप्शन होता है, ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट एसी जैसा आपका हिसाब पूरा बन जाता है सेकेंड एसी में। और यहाँ सामने मिरर में फिर से मैं, हेलो। मॉर्निंग फ्रेंड्स, उसके बाद तो सो गए थे हम लोग, अब उठे और ये देखिए पहाड़ के नज़ारे। अभी तो कुछ पहाड़ वहाड़ खास आए नहीं है, घर चल रहे हैं। बीच में आए थे थोड़े पहाड़ और सूखी नदी वगैरह। जो मेन टनल्स वगैरह का आता है फील, वो तो जम्मू टू कटरा के रास्ते में आता है, पर हम लोग इस बार जम्मू ही उतर जाएंगे। बट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जम्मू टू कटरा बाय रोड, जिसमें बहुत सारे टनल्स आएंगे। तो चलिए अभी तो हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, अभी बच गया है 7:15, 7:10 पे मैं पहुंचना था जम्मू, 5 मिनट तो अभी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब देखो कितने बजे पहुंचते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:35, पीछे हमारी वो ट्रेन खड़ी हुई है। 7:10 पे ट्रेन ने यहाँ पहुंचना था, बट वंदे भारत को पास देना पहले जरूरी था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ट्रेन पहली लेट चल रही है, तो जब लेट होती है तो फिर वो और लेट कर देते हैं पास देने में। तो जैसे ही पास मिला हम लोग आ गए हैं, 7:35 पे यहाँ पहुंचे हैं, 25 मिनट पूरा ट्रेन लेट है। और अब हम जा रहे हैं बाहर, टैक्सी हमने बुक कर रखी है, टैक्सी से सीधा हम जाएंगे कटरा। और अब अगले ब्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया जम्मू टू कटरा आपको दिखाऊंगी। तो अब के लिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं ख़त्म, आप सबसे मिलती हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।